हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नम्रता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट मेरी एक वीडियो थी शैम्पू करने के नुकसान, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अच्छे एक शैम्पू एंड अच्छे एक ऑयल की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ शैम्पू के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे एक हेयर ऑयल के बारे में, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से 6 महीने पहले फ्रेंड्स मेरे हेयर भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। लगभग उसके पिछले 1 साल से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उस टाइम मैंने नोटिस किया था फ्रेंड्स कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है इतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ मैंने ली थी, बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई की थी। तो उस टाइम मैंने नोटिस किया था फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा हेयर फॉल हमारे हो क्यों रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने हेयर को, आपको समझना पड़ेगा कि आपके हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अगर आपने जब समझ लिया कि आपके हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं, तभी आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है फ्रेंड्स हेयर फॉल का, आप अपने बालों की केयर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने बालों की केयर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि बालों में डैंड्रफ रहना। अगर 12 महीने आपके बालों पर डैंड्रफ रहेगा तो आपके हेयर फॉल कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे। तो डैंड्रफ को भी पूरी तरह से क्लीन करना ज़रूरी है। एंड तीसरा रीज़न ये है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो गए हैं, तो जिसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। और फिर हमेशा अपने बालों पे ऑयल को लगा के रखना, उससे भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऑयल अगर हमेशा आपके बालों पे लगा रहेगा तो आपके बाल जो है पूरी तरह से चिपक जाएंगे एंड टेंगल आ जाएगा। तो जब भी आप कंघी करेंगे तो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका अगर आप ठीक तरह से ख्याल रखते हैं, आपके बालों पर अगर डैंड्रफ को कंट्रोल करके रखते हैं, आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी बना के रखते हैं, आप मतलब हमेशा हेयर ऑयल लगा के नहीं रखते हैं बालों पर, एंड अच्छी तरह से केयर करते हैं अपने बालों की, तो आप अपने बालों को, हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें मेरे हेयर की, तो मेरे हेयर को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटे घने मेरे हेयर नहीं हैं। बट आज से 6 महीने पहले जिस तरह से मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, तो इससे भी ज़्यादा पतले हो गए थे मेरे हेयर। एंड लेंथ की बात करें तो इससे भी कम थे लेंथ। अभी आपको लेंथ दिख रही होगी, लेंथ में वैसे भी मेरे बाल आपको पतले ही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अभी 6 महीने पहले मैंने इसमें लेयर कट करवाया था। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड शाइनी नहीं दिख रहे होंगे मेरे हेयर, क्योंकि मेरे हेयर जो है वो कर्ली है, तो आप देख सकते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगी, बस यही बताना चाह रही थी कि 6 महीने पहले बहुत ज़्यादा जो हेयर फॉल मेरे हो रहे थे, आज मेरे हेयर जो है वो कंट्रोल है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है मेरे। जो भी हेयर फॉल होने की मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको बताई है फ्रेंड्स, उस पर 100% वर्क करता है अश्योर का हेयर ऑयल, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो इसमें है अर्निका एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री ऑयल, जो दोनों मिलके आपके हेयर को मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले तो ये आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं, जिससे कि टेंगल फ्री हो जाते हैं आपके हेयर, तो हेयर फॉल कंट्रोल हो, यानी कि आपके बालों को बिल्कुल भी चिपकने नहीं देता। जैसे कि आप अदर तेल यूज़ करते हैं कोई सा भी, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं वो तेल, तो ये उस तरह का नहीं है, पूरी तरह से लाइट वेट है। एंड अगर आप इसको अपने हेयर पर रात पे सर पर जंपिंग करके भी सोते हैं, तो सुबह आपके हेयर चिपचिपे नहीं लगते। और फ्रेंड्स, इस ऑयल से अगर आप हफ्ते में 2 बार अपने हेयर पे मसाज करते हैं, तो ये पूरी तरह से डैंड्रफ को ख़त्म करता है फ्रेंड्स। तो डैंड्रफ की वजह से भी जो हेयर फॉल आपके हो रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। ये ऑयल बनाता है फ्रेंड्स आपके बालों को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से टेंगल फ्री हो जाते हैं आपके बाल। तो जब आप कंघी करते हैं तो आपके बाल टेंगल फ्री होते हैं, तो वो टूटने से बच जाते हैं। है टी ट्री ऑयल फ्रेंड्स, तो वो आपके बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। अगर आपके बाल बहुत ही जल्दी सफ़ेद होने लग गया है, तो वो भी कंट्रोल करता है आपके बालों को। आपके बाल 2 मुहे हो गए हैं, तो उसे भी ये पूरी तरह से ठीक करता है। तो इतने सारे हेयर प्रॉब्लम में ये काम करता है फ्रेंड्स, आपके डैंड्रफ को ख़त्म करता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, एंड बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। इसे आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही लाइट वेट है ये ऑयल। सबसे बड़ा रीज़न होता है फ्रेंड्स आपके हेयर फॉल का, जो भी मैंने आपको बताया है, तो ये सब पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फ्रेंड, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम बात करेंगे अपने हेयर फॉल के बारे में, तो वो सबसे पहले हमें सजेशन देते हैं कि आप अपने बालों को हेयर ऑयल करो, आप जंपी करो हफ्ते में 2 से 3 बार। बट आज जो भी ऑयल हम यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, है ना। तो मैंने जब मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, उस टाइम मैंने ध्यान दिया था कि जब भी हम हेयर मसाज करते थे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे हेयर फॉल होते थे। तो मैंने हेयर
मसाज करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स वो ऑयल, जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं बाकी, वो बहुत ज़्यादा चिपचिप होते हैं, जिसकी वजह से बाल पूरी तरह से चिपक जाते हैं एंड अगर खिंचा के टूटते ही है। तो ये ऑयल बहुत ही अच्छा है हेयर मसाज के लिए भी, मैं इसी से यूज़ करती हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, तो अब तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और फिर जब भी आप इस ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे कम से कम 5 मिनट अपने हेयर पे जो है इस तरह से सर्कुलर मसाज करना है आपको, जिससे ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा आपको। और इस ऑयल की सबसे अच्छी खास बात और एक बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको, ये सीरम का भी काम करता है। फ्रेंड्स जिस तरह से मैं सीरम की तरह इसे यूज़ करती हूँ, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप हेयर वॉश करें, फ्रेंड्स जब भी आप हेयर वॉश करो आपके बाल जब 50% सूख जाए तो इसे सीरम की तरह थोड़ा सा अपने हाथों पर लेना है, जितना सीरम लेते हैं आप उतना ही लेना है और अपने बालों पर हल्का हल्का इसे लगाना है, यानी 50% सूखे होने चाहिए बाल आपके और 50% गीले होना चाहिए। तो जब आपके बाल पूरी तरह से सूख जाएंगे फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं, आपका हेयर फॉल भी कम होता है उस टाइम। तो सीरम का काम भी करता है ये ऑयल एंड इसकी जगह दूसरा ऑयल काम नहीं कर सकता सीरम का, क्योंकि वो सारे ऑयली होते हैं, मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से लाइट वेट है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बहुत पसंद है ये ऑयल एंड एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपके बालों पर, तो इसे एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए आप। एंड बात करें इसकी प्राइस की, तो फ्रेंड्स ये है 200 ml का और इसका प्राइस है 195 rupees, बट ये आराम से 1 महीना चल जाता है अगर इसे 2-3 लोग भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑयल है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।